दोस्तों कहते हैं कि फिल्में समाज की आयनादार होती हैं। जिन माशरों में इंसान के बुनियादी मसाइल हल चुके होते हैं वहां पर फैंटेसी और कॉमिक और लव मैरिज टाइप की फिल्में बनाई जाती हैं। और हमारे खत्ते पर यूरोपीय कंपनियां नेटफ्लिक्स अमेज़न फिल्में तो बना रही हैं लेकिन वही मसाइल वही अजाब वही भूख बीमारी और इंसान का अब तक बुनियादी समाजी ज़रूरियात तक से ला इलम रहना जैसे टॉपिक्स पर बात होती है। ये फिल्में अवार्ड भी हासिल करती हैं गोरे तालियां भी बजाते हैं लेकिन मसाइल यूं के तू ही रह जाते हैं। सवाल ये उठता है क्यों ऐसा है और ऐसा क्यों है, उसका जवाब इस फिल्म में हमें मिल रहा है। फिल्म का नाम है पैडमैन। इस फिल्म में एक ऐसे मसले पर बात की गई है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है लेकिन पाकिस्तान के माशरे में इस तरह के मौजू पर बात करना भी बुरा समझा जाता है। दोस्तों फिल्म पैडमैन को 2018 में बनाया गया था। एक कारोबारी शख्सियत अरोना चिलमरोगना की जिंदगी पर यह फिल्म बनाई गई थी और जिस शख्स की जिंदगी पर यह फिल्म बनाई गई थी उसका तल्लक तमिलनाडु से था और वो एक समाजी कारकुन थे और उसके साथ साथ एक कारोबारी शख्सियत भी थे। फिल्म पैडमैन ने 2018 में ऑस्कर अवार्ड भी हासिल किया था। दिलचस्प बात यह है कि पैडमैन को पाकिस्तान के फेडरल फिल्म सेंसर बोर्ड ने गैर हलाकी और मजहबी इकदार से तसादम करार देकर इस फिल्म की नुमाइश को बंद कर दिया था। पाकिस्तान में हर नाजायज और हराम काम खुले आम धड़ल्ले से होते हैं। मजमूई तौर पर फिल्म एक सोशल आगाही के मौजू पर बनाई गई है और ये फिल्म शाहकार है। अगर इंडियन फिल्म दंगल के बाद किसी फिल्म की हौसला अफजाई हुई है तो यही फिल्म है। अदाकारी हदायतकारी कहानी सब कमाल के हैं। अक्षय कुमार ने अपने बुढ़ापे में इस फिल्म में काम करके लोगों के दिल जीत लिए हैं। ऐसी ही फिल्में हैं जो तरगीब देती हैं कि उठो और माशरे के लिए कुछ करो ताकि आपको जमाना याद रखे अपनी दुआओं में। दोस्तों एक जायजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 5008 खवातीन में सर्वाइकल कैंसर की तशखीस होती है और इन 5008 में से 3197 इस बीमारी की वजह से मर जाती हैं। इस तरह के कैंसर की वजूहात में सैनिटरी पैड अदम दस्तियाबी भी अहम किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान में सैनिटरी पैड की बहुत ज्यादा कीमत होने की वजह से आम घर की औरतें तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकती और पाकिस्तान की हुकूमत को तो बस टैक्स लेना है जो भी चीज दरामद की गई है ताकि हुकूमत चल सके, लेकिन इस बात पर कोई गौर नहीं कर रहा है कि किन चीजों पर दरामदी टैक्स को माफ कर देना चाहिए या उस पर बहुत ज्यादा कम ड्यूटी लेनी चाहिए। जबकि इंडिया ने 2018 में महावरी के दौरान इस्तेमाल होने वाली मसनूआत पर आयद 12% टैक्स वापस ले लिया था। एक आलमी अदारे रियल मेडिसिन फाउंडेशन के मुताबिक 79% पाकिस्तानी खवातीन पैड की बजाय फटे पुराने कपड़े इस्तेमाल करती हैं, जबकि देहात में सूरत हाल इस कदर खराब है कि खवातीन खजूर के पत्ते पर राख रखकर उसे रस्सी के साथ अपने जिस्म से बांध लेती हैं और कुछ इलाकों में हैज के दौरान मिट्टी का इस्तेमाल भी किया जाता है जो इस तरह के कैंसर को ज्यादा मुहरक करने में मदद देता है। कराची लाहौर पेशावर फैसलाबाद क्वेटा एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहां कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। जहां इंडिया की फिल्म को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं वहां पर पाकिस्तान की कुछ पैड वोमैन भी हैं जिन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में शी गार्ड नामी कंपनी की बुनियाद 2022 में रखी गई और उसकी बानी महरीन रजा हैं और उन्होंने केले के छिलकों से पैड तैयार किया। सिर्फ 2 साल के अरसे में इस कंपनी ने इंटरनेशनल फॉर्म्स पर अपने अछूते आइडियाज से धूम मचा दी। नवंबर 2023 में शी गार्ड ने क्लाइमेट लॉन्च पैड किया। एशिया पैसिफिक फॉर्म पर एशिया पैसिफिक के 6 ममालिक से 172 टीमों का मुकाबला करते हुए क्लीन टेक्नोलॉजी में इस कंपनी ने पहला इनाम हासिल किया। इसी तरह पाकिस्तान की एक और तंजीम भी औरतों को आगाही दे रही है, लोगों को आगाही दे रही है। उसकी बानी है सना ख्वाजा, वो भी लड़कियों के लिए वॉशरूम बना रही हैं जिनमें जहां पर उन्हें अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे तरीके से साफ करना आसान हो जाए। महकमा तलीम ने भी आगाही और वाटर एड की तरफ से बनाए जाने वाले इन गर्ल फ्रेंडली वॉशरूम को अपनी वॉश
इन स्कूल मुहिम का हिस्सा बना लिया है और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस तर्ज पर तमाम सरकारी स्कूलों में भी ऐसे टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। दोस्तों, अफगान सरहद के करीब वाकया चित्राल के गांव बोनी की हाजरा बीबी सिलाई मशीन से खवातीन के लिए सैनिटरी पैड्स बनाती हैं और उनका कहना है कि इस काम का इंतखाब उन्होंने खवातीन की सेहत को दरपेश खतरात का मुकाबला करने के लिए किया है। अगर मियां बीबी दोनों बहमी अमहमी से ऐसे इशू पर बात करें और इनके बारे में सीखें, औरतें अपने शोहरों को इस बारे में बुनियादी मालूमात फराहम करें, तो मर्द यकीनन गौर फिक्र करके अपनी फैमिली को जहां तक हो सके बेहतरीन सहूलियात फराहम कर सकते हैं और अपने औलाद को ब्लोगल से कबल ही जिस्मानी सफाई पकीजगी की तरबियत दे सकते हैं, क्योंकि हैज सिर्फ खवातीन का ही नहीं बल्कि इंसानी मसला है। दोनों जिंसों को एहसास होने की जरूरत है। नौजवान लड़कियों, खवातीन और मर्दों में मुहावरे की सेहत और फिजान सेहत के बारे में बेदारी पैदा करने की जरूरत है। स्पेशली 17-18 साल के लड़के को मालूम होना चाहिए कि घर में जब उसकी बहन या वालदा कहती हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको समझना चाहिए कि उस हालत में उसको ज्यादा तंग ना करे, उनके साथ शरारतें ना करे, अपने खास दिनों को कंफर्टेबल तरीके से गुजार सकें। महावरी खवातीन की तौलीदी सेहत का एक अहम हिस्सा है। ये एक ऐसा अमल है जिसके जरिए नई नस्ल जन्म लेती है। फिर भी इतने अहम मौजू पर बात करना आज भी मायूब हमारे माशरे में समझा जाता है। अगर हम अपनी बेटियों को इसके बारे में आगाही नहीं देंगे, तो मासूम और नौउम्र लड़कियों ने जो दर्द, खौफ और तकलीफ को बर्दाश्त किया होता है, उसकी कसक उनके जहनों दिल पर हमेशा के लिए नक्श और निशान छोड़ देती है। अगर वो अपने जिस्म की सफाई अच्छे तरीके से नहीं रखेंगी, तो छोटी छोटी परेशानियां धीरे धीरे बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेंगी। पीके माई वीडियोज के सब्सक्राइबर क्या कहते हैं, ऐसे मौजू पर बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अपने ख्याल का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। I am Nasser Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.